आदरणीय साथियों, मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का। मैं आभारी हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का, जिन्होंने मुझे भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कई बार चुनकर आए, वो शख्सियत जिसने कि जिस पद पर वो रहे उस पद की शोभा बढ़ाई, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, जितने पदों पर वह रहे उन्होंने इसकी शोभा बढ़ाई। साथियों, आज से एक वर्ष पूर्व मैंने, मेरी पत्नी अमृता ने, मेरे सहयोगी भाई रामेश्वर लिखरा जी ने और हमारे साथ लगभग 300 लोगों ने नर्मदा परिक्रमा की। 3100 किलोमीटर 6 महीने 10 दिन में पूरी की थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि मां नर्मदा की कृपा से हमने इतनी लंबी यात्रा कैसे कर डाली। लेकिन जो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम है, यदि आप अपना मन बना लें तो मां नर्मदा अपने आप यात्रा कराती है, अपने आप परिक्रमा कराती है, कहीं किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं होता है। ये इतिहास है। मैं आज इस अवसर पर आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस के नुमाइंदे के रूप में 19 तारीख को दोपहर में अपना फॉर्म दाखिल करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं हम इतने लोग इकट्ठा होंगे, इतने लोग इकट्ठा होंगे, इतनी भीड़ लेके आएंगे। मैं उससे सहमत नहीं हूं। फॉर्म भरने के लिए अंदर उम्मीदवार के साथ प्रस्तावना की जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग जा सकते हैं, 5 लोग जा सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्यकर्ता दूर दूर से यहां पर आए और यहां परेशानी हो इस गर्मी में। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि जो समय मेरा फॉर्म भरने का है भोपाल में, वो अपने अपने क्षेत्र में रहें और उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक करें, चाहे पोलिंग बूथ पर हो, चाहे सेक्टर कांग्रेस कमेटी की हो, चाहे मंडल कांग्रेस कमेटी की बैठक हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हो। आप सब अपने अपने क्षेत्र में रहें और अपने अपने क्षेत्र में बैठक करके संकल्प लें कि अगले 12 मई तक चुनाव आप लड़ रहे हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, 12 मई तक मेहनत आपकी है और 23 मई को नतीजे आने के बाद फिर मेहनत मेरी होगी, मेरी जवाबदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा लोगों को साथ लेकर राजनीति की है और इसीलिए मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, सत्ता का केंद्रीकरण नहीं किया, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया, पंचायतों को अधिकार दिया, जनपद पंचायत जिला परिषद को अधिकार दिया, न्याय नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम को अधिकार दिया। क्योंकि महात्मा गांधी के शब्दों में, जब तक जनता की भागीदारी सरकार में नहीं होगी प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो सकता। यही हमारा लक्ष्य रहा है।
और इसलिए मैंने यह तय किया है कि मेरे पूरे अभियान का जो थीम होगी, जो नारा होगा, आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी, आपकी हिस्सेदारी कायम करना मेरी जिम्मेदारी है। हर कदम पर, हर व्यक्ति के लिए, हर योजना में आपकी हिस्सेदारी कायम करने की जवाबदारी मेरी होगी, जिम्मेदारी होगी। बाकी भोपाल संसदीय क्षेत्र का क्या सपना मेरा है, मैं फॉर्म भरने के बाद आपके सामने दो दिन बाद उसको प्रस्तुत करूंगा। आज आप सब लोग पधारे, आप सबका मैं आभारी हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग और समर्थन से वो लोग जो कि इस भोपाल संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को बिना काम किए अपने गुलाम समझते हैं, जो जीतने के बाद ना कभी दिखते हैं ना मिलते हैं, उनको आप सबक सिखाएंगे और मेरे राजनीतिक जीवन में आप चाहे राहुलगढ़ विधानसभा सीट हो, चाहे राजगढ़ लोकसभा सीट हो, था का मैं नुमाइंदा रहा हूं, आप उनके मतदाता भाइयों से बहनों से पूछ लीजिए कि मैंने उनके उम्मीदों के, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार काम किया है कि नहीं किया है। ये वे मेरे जमानतदार हैं, रामगढ़ डरेसिया से लगा हुआ है, राजगढ़ नरसिंहगढ़ सीहोर से लगा हुआ है। आप पता लगा सकते हैं कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आया, मेरे क्षेत्र का अगर व्यक्ति आया तो कभी मैंने उसको निराश नहीं होने दिया। जो मुझसे बना मैंने उसकी मदद की है और आज भी कर रहा हूं। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं और यह आपसे वादा करता हूं, आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद। नर्मदे हर। आप प्रश्न पूछिए। सर, आयकर विभाग के छापे के बाद कांग्रेस के चुनाव अभियान को झटका लगा है। पहली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति के घर से पैसे बरामद हुए वो खुद कहता है वो भाजपा का समर्थक है। सीआरपीएफ का जो यूज हुआ है, सीआरपीएफ का जो यूज हुआ है और यहाँ पुलिस से टकराव हुआ, सीआरपीएफ का यूज हुआ, उसमें क्या कह रहे आप? भारत के संविधान के संघीय ढांचा है और कोई भी केंद्र के अधिकारी कर्मचारी बिना राज्य सरकार को सूचित करे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र के ईडी और आईटी के लोग सीआरपीएफ को लेकर यहां आए, मैं संविधान के संघीय ढांचे पर इस पे उसका आघात मानता हूं। यह हमारे संविधान का उल्लंघन है और इसका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, वित्त मंत्री जी को देना चाहिए। सर, तो क्या मोदी इतने ईमानदार हैं कि अपने कार्यकर्ता पे छापा पड़वा दिया? ऐसा है, ये तो मोदी जी से पूछिए और उनके कार्यकर्ता से पूछिए। भोपाल के लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? भोपाल के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी आपकी? पहला उसका आप इंतजार करिए, मेरा विजन डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें आपको बताऊंगा। जी आप चलिए साथ में दिखाएंगे। हिस्सेदारी पंडित जी जैसे आपकी हमारी साथ में रही वैसी रहेगी। क्या लगता है 281 करोड़ की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? मुझे जानकारी नहीं। पहली बात तो ये है, ये भी एक पहली बार हो रहा है। सामान्य तौर पर सीबीडीटी, ईडी, आईटी कोई स्टेटमेंट 90 दिन के अंदर नहीं देते हैं सामान्य तौर पर।
लेकिन जिस दिन छापा पड़ा उसी रात को स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये भी पहली घटना है। धन्यवाद। क्या कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? पार्टी है? ऐसा है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, हमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठे, स्टालिन तमिलनाडु के, उन्होंने उसका विरोध किया, कर्नाटक के मंत्रियों के यहां छापे डले, अरे मामा जी के यहां छापा डल जाता तो पता नहीं कितना मिलता।